नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जिन्होंने अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है यदि आप भी एक किसान हैं आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं पहला है कितनी किस्त अभी तक आपको प्राप्त हुई है ये आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं देख सकते हैं बहुत से ऐसे करोड़ों किसान हैं उनको मालूम ही नहीं है कि कितनी किस्त का पैसा उनका रुका हुआ है और कितनी किस्त उनको प्राप्त हो चुकी है एक तो ये जानकारी हम आपको बताएंगे दूसरी है सोलहवीं किस्त के दो हज़ार रुपये प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य आपको करने होंगे किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है और यह कार्य आप कैसे कर सकते हैं सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको अभी तक कितनी किस्त प्राप्त हुई है कितनी अधूरी है ये आप कैसे चेक कर सकते हैं देख सकते हैं आपको अपने मोबाइल फोन में इस प्रकार से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पी एफ एम एस डॉट एन आई सी डॉट इन इतना लिखकर आपको इसको सर्च करना है जब आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर जो पी एफ एम एस की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ये पी एफ एस की फुल फॉर्म है इसमें देखिए लिखा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री फाइनेंस यहां पर आपको आना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे यहां पर आपको आना है नीचे आने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीबीटी विवरण ट्रैक आप भली भांति जानते होंगे देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है भारत सरकारी देख में यह योजना चलाई गई है और डीबीटी की सबसे बड़ी योजना है डीबीटी के माध्यम से इस योजना का पैसा भेजा जाता है तो देखिए इस पर डीबीटी विवरण पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं अब जैसे हमने क्लिक किया देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है लिख सकते हैं देखिए पढ़ सकते हैं यहां पर आप डी बी टी स्टेटस ऑफ बेनिफिशरी एंड पेमेंट डिटेल सबसे पहले यहां पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है कैसे किया जाता है देखिए क्लिक हमने किया यहाँ पर लिखा है पीएम किसान अब हम पीएम किसान योजना का पैसा देखना चाहते हैं कितनी किस्त मिली और कितनी यहाँ पर रह रही है अब सीधे हम इस पर यहां पर क्लिक कर लेते हैं चुनाव कर लेते हैं देखिए चुनाव हमने किया पीएम किसान यहां पर लिखा आ गया है अब हम डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं किसका पेमेंट का तो पेमेंट यहां पर ऑटोमेटिक चुनाव हुआ है पहले से ही यदि आपके बेनिफिशरी कोड याद है तो वह दर्ज कर दीजिए अगर याद नहीं है तो जो आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह यहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा इस यहाँ पर इस कॉलम में ठीक है अब आपके मोबाइल फोन में सिक्योरिटी के लिए जो कैप्चर कोड दिया हो गया होगा यहाँ पर वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है यदि समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं और यदि सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सुन भी सकते हैं किस में कौन कौन से यानी कि नंबर या लेटर दिए गए हैं तो चलिए यहाँ पर अब हम अपना जो हमारी यानी कि एप्लीकेशन आईडी है वह हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं देखें यहाँ पर हमने अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर दिया है और जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर सिक्योरिटी के लिए कोड दिया है वेरिफिकेशन वह यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है अब देखिए लास्ट में आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे एक है सर्च का एक है रीसेट का यदि रीसेट पर क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ यहाँ से हट जाएगी तो हमको रीसेट पर क्लिक नहीं करना हमको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है जो यहाँ पर आपको सर्च का आइकन नज़र आ रहा है हम इस पर क्लिक यहाँ पर कर देते हैं अब जैसे हमने क्लिक किया देखिए अब यहाँ से हम इसको स्क्रोल डाउन करते हैं देखिए अब यहाँ से हम इसको इस्क्रोल डाउन कर लेते हैं तो जैसे हमने इस्क्रोल डाउन किया तो देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है यहाँ पर आप पेमेंट पढ़ सकते हैं नीचे स्क्रोल डाउन और कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो किसान है किसान का एप्लीकेशन आईडी डी जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं किसान का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा किसान का बेनिफिशरी कोड एजेंसी कोड स्कीम कोड और नेम यानी कि इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट देखिए यहाँ पर फिफ्टीन लिखा हुआ है यानी कि पंद्रहवीं किस्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवंबर महीने में ट्रांसफ़र की गई थी तो यहाँ पर इन किसानों को पंद्रहवीं किस्त का पैसा मिल गया है अब देखिए डीबीटी बेस्ड पेमेंट किया जाता है तो यहाँ पर देखिए आधार बेस्ड यहाँ पर लिखा आ गया है इसके बाद देखिए रिक्वेस्ट की गई थी सात नवंबर को और वैलिडेशन देखिए यहाँ पर सात नवंबर दो इनका ये कम्प्लीट हो गया था फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी सात नवंबर 2023 को अब यहाँ पर सेंसन स्टेटस देखिए कब हुआ था सेंसन 10 नवंबर 2023 को फाइल स्टेटस कब हुआ था ये 7 नवंबर 2023 को अब बैंक खाते में यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन डेट है क्रेडिट डेट है ट्रांजैक्शन डेट 11 11 यानी 11 11 2023 में और पंद्रह ग्यारह दो हज़ार तेईस में इनके बैंक खाते में ये किस्त ट्रांसफ़र हो गई थी पंद्रहवीं किस्त के दो हज़ार रुपये इनको मिल गए थे यहाँ पर दो हज़ार रुपये आप अमाउंट भी देख सकते हैं तो इसी प्रकार से भारत के जितने भी किसान हैं ऑनलाइन यदि अपना पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह और पंद्रह तो देखिए इनमें से जिस भी किस्त का आप पैसा देखना चाहते हैं तो इस पी के पोर्टल के माध्यम से यहां पर आकर इसी प्रकार से अपना पेंशन का पैसा जो यानी कि किसान का जो पेंशन है किसान का पेंशन का पीएम किसान का पैसा इसी प्रकार से आप इस पोर्टल पर आकर चेक कर सकते हैं देख सकते हैं देखिए दोस्तों ये तो आपको तरीका समझ आ गया है कि पीएम किसान योजना का पैसा ऑनलाइन कैसे देखा जाता है चेक किया जाता है अब हम आपको बता देते हैं कि सोलहवीं किस्त के दो हज़ार आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे देखिए यहाँ पर इन किसानों को सोलहवीं किस्त के दो हज़ार रुपये एक सौ एक प्रतिशत दिए जाएंगे क्योंकि इनके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं है यदि गलतियाँ होती तो इनका स्टेटस यहां पर ओपन नहीं होता ओपन होने में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी इन इनका यानी कि डी बी टी भी इनका एक्टिव है यानी कि इनका आधार सीडिंग भी कंप्लीट है बात कर रहे हैं आधार सीडिंग इनका ये भी कंप्लीट है लैंड सीडिंग का कार्य इनका ये भी कंप्लीट है ई के वाई सी का कार्य इनका ये भी कंप्लीट है और यही वे तीन कार्य हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं यदि इनमें से आपका कोई भी एक कार्य अधूरा है तो आपके बैंक खाते में दो हज़ार रुपये की सोलवी किस्त के दो हज़ार रुपये आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो कैसे किया जाता है देखिए जो ई के वाई सी का कार्य है यह आप नजदीकी सी एस ई सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं या फिर पीएम किसान का जो पोर्टल है उस पर भी जाकर आप ई के वाई सी का कार्य कर सकते हैं आवश्यकता है आपके आधार कार्ड की और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है इनसे आप स्वयं भी यह कार्य कर सकते हैं बस आपको ओ टी पी दर्ज करना है बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में दूसरा कार्य है लैंड शीडिंग का लैंड शीडिंग का कार्य ये लैंड शेडिंग का कार्य कैसे कंप्लीट होगा तो देखिए जो आपकी जमीन है खतों या फ़रद है सबसे पहले वे आपको निकलवा लेनी है आपके गांव के जो लेखपाल है या पटवारी है उनके पास आपको जाना है अपने ब्लॉक में तो वहां से उनको बताइएगा कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और ये हमारी ये कार्य कंप्लीट आप कर दीजिएगा तो वे उस पर साइन या साइन करेंगे और अपना स्टैंप लगाकर आपको दे देंगे और सी सेंटर पर जाकर यह आपको अपलोड कराना है पीएम किसान के इस पोर्टल के माध्यम से आपको इसको अपलोड करा देना है तो दो कार्य आपको समझ आ चुके हैं कैसे करना है बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में तीसरा कार्य है आधार सीडिंग का जी हाँ आधार सीडिंग ये आप कैसे कराएंगे आधार सीडिंग का कार्य ये कंप्लीट कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है उनको बोलना है कि हमें एन मैपिंग करानी है NPCI मैपिंग ध्यान से समझिएगा वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वह भरकर आपको जमा कर देना है जिसमें आपकी बैंक की डिटेल मांगी जाएगी आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है यह भरकर आपको जमा करना है 48 घंटों के अंदर ही आपका आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे कंप्लीट होगा पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है तो वहां से ही जैसे कंप्लीट होगा तो पंद्रह दिनों के अंदर जो रोंग का निशान लगा हुआ है वह राइट हो जाएगा चाहे आपका आधार कार्ड का कार्य यह भी कंप्लीट हो जाएगा ई के वजह से कार्य कैसे करा सकते हैं यह भी हमने आपको बता दिया और लैंड शेडिंग का कार्य ये भी हमने कैसे कैसे करा सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है तीनों कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए तभी आप सोलवीक इसके दो हजार रुपए अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं जै... अब जैसे ही तीनों कार्य आपको कंप्लीट आपके हो जाएंगे तो फिर आप किस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा मैं आपको दिखा देते हैं देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस इस एलिजिबिलिटी स्टेटस में इसी प्रकार से आपका लैंड शेडिंग का कार्य कंप्लीट होना चाहिए यस होने के बाद ग्रीन का निशान लगा हुआ होना चाहिए जिस तारीख में आप ई के वाय से आपका कंप्लीट हो जाएगा वह तारीख यहां पर आप देख सकते हैं ई के वाई से स्टेटस यस होना चाहिए और राइट का निशान इसी प्रकार से लगा होना चाहिए आधार कार्ड देखिए लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग ये आप कैसे करा सकते हैं वह भी तरीका हमने आपको बता दिया है यदि आपका आधार कार्ड का यानी कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग इनकम्प्लीट है या कम्पलीट यानी कि अधूरा है या पूरा है आपको मालूम नहीं है तो कैसे घर बैठे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट है या अधूरा है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर क्लिक करके उस पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कैसे आपका ई के वैसे कंप्लीट है या अधूरा है कैसे देखा जाता है वह तरीका उस वीडियो में बताया गया है और यदि इस प्रकार से आप भी पी किसान पोर्टल के माध्यम से देखना चाहते हैं कि आपका लैंड शेडिंग का कार्य पूरा है या अधूरा है ई के वैसे कंप्लीट है या अधूरी है आधार बैंक अकाउंट शेडिंग कंप्लीट है या अधूरा है ये सभी तीनों कार्य पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कैसे देखा जाता है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर क्लिक करके आप ये सभी चीजें चेक कर सकते हैं देख सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको मर्दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत